देश की 132 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के रूप में उसका नया अध्यक्ष मिल चुका है। 47 साल के राहुल कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह सहित कांग्रेस के सभी नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली। मां सोनिया गांधी की स्पीच सुन राहुल भावुक हो गए। हिंसा का अपार दुख झेला था और मां के पैर छूकर माथा चूमा। अध्यक्ष बनने के बाद राहुल ने अपनी पहली स्पीच में सत्ताधारी बीजेपी को जमकर घेरा। सिर्फ एक शक्ति है, वो है कांग्रेस पार्टी का प्यारा कार्यकर्ता और नेता। वो तोड़ते हैं हम जोड़ते हैं, वो आग लगाते हैं हम बुझाते हैं, वो गुस्सा करते हैं हम प्यार करते हैं, ये फर्क है हम में और उनमें। 19 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी का बचपन उतार चढ़ाव से भरा रहा। संजय गांधी की प्लेन क्रैश में मौत, दादी इंदिरा गांधी की हत्या, पिता की हत्या जैसी घटनाओं से राहुल का बचपन काफी चुनौतियों से भरा रहा। सोनिया गांधी ने भी काफी मुश्किल दौर में पार्टी की बागडोर संभाली थी। सोनिया की अगुवाई में 19 साल के दौरान पार्टी ने 10 सालों तक शासन किया। अब जबकि राहुल को कमान सौंपी गई है, पार्टी फिर मुश्किल दौर में है। देश के कुछ ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और लोकसभा में कुल 45 सांसद। राहुल का मुकाबला सीधे पीएम मोदी से है, तो जाहिर है कि राहुल का सफर इतना आसान नहीं होगा। संगीता सिंह, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।